कोतवाली थाना क्षेत्र के आर्य नगर के समीप गंगे चौराहा निवासी अमित कुमार जायसवाल पुत्र राजकुमार जायसवाल ने अपने छोटे भाई सुमित कुमार जायसवाल की गुमशुदगी का रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज कराया है, जिसके संबंध में कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे अमित कुमार जायसवाल ने कहा कि उनका भाई सुमित 3 दिनों से घर से लापता है, जिसकी काफी तलाश की गई लेकिन उसका पता नहीं चल सका, जिससे उसके घर वालों का बुरा हाल है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अमित कुमार जायसवाल ने कहा, क्यों हमारा मेन मकसद यह है कि पहले ये चीज़ वायरल हो। जी हम अमित कुमार जायसवाल आर्य नगर उत्तरी गंगे चौक के निवासी हैं। मेरा छोटा भाई सुमित जायसवाल पुत्र श्री राजकुमार जायसवाल डेली की भांति अपने काम पे निकला, घर से दुकान पे गया, दुकान से फिर वो आया घर पे नाश्ता करने के लिए, फिर वो यहाँ से निकला दुकान गया, दुकान से जाने के बाद फिर उसका कुछ पता नहीं चला। दुकान पे हम गए तो पता चला कि किसी के साथ गया है, निकला है, तो पता किए तो कुछ पता नहीं चल पाया। फ़ोन मिलाया जा रहा है, दोनों का दोनों नंबर स्विच ऑफ। फिर कोई बताया कि वो किसी के साथ सिटी मॉल शायद गया है, हम लोगों ने वहाँ पे भी पता किया, जो छोड़ने गया था उससे ही पता किया, पर कुछ पता नहीं चला। वो बोला मैं छोड़ के चला आया, उसके बाद से हम लोग फ़ोन मिलाए जा रहे हैं, नहीं मिला। आखिरी में शाम को हम लोग कोतवाली पे गए, हम लोगों ने गुमशुदगी के लिए बोला तो वहाँ पे हम लोग की रिपोर्ट दर्ज की गई। अब उसके बाद से फिर आज 3 दिन हो गया, उसका कोई पता नहीं है। इसके पहले क्या कभी ऐसा हरकत कर चुके हैं, पहले से भी कभी गए हैं? नहीं, किसी से किसी के साथ झगड़ा बवाल कर लिया है? ऐसा कुछ नहीं है। शादी नहीं, अभी शादी नहीं हुई है। घर में कोई विवाद नहीं था? नहीं, घर में कोई विवाद नहीं है किसी से, कुछ भी ठीक ठाक जिस तरीके से डेली था वैसे ही था।